और अब एक और बड़ी खबर, नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। इनके अलावा बनवारी लाल पुरोहित असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल होंगे और जगदीश मुखी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये अहम नियुक्तियां, एक बार फिर आपको बता दें, नजमा हेपतुल्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिपुर की गवर्नर बनाई गई हैं और बनवारी लाल पुरोहित अब असम के नए राज्यपाल होंगे। वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर बनाए गए हैं और जगदीश मुखी दिल्ली से ही आते हैं या अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने ये बड़ी नियुक्तियां की हैं, 3 गवर्नर और 1 उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। नजमा हेपतुल्ला ने कुछ दिनों पहले ही जो पिछला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उससे इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्हें अब गवर्नर बनाया गया है मणिपुर का। इसकी चर्चा पहले से चल रही थी, साथ ही असम पंजाब और अंडमान निकोबार में भी राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्तियां हो गई हैं। देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। देवेंद्र बताइए, देवेंद्र आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, क्या खबर है? और ये 4 नाम हमने बताए हैं और इसमें नजमा हेपतुल्ला का नाम मणिपुर के गवर्नर के तौर पर। जी हाँ, 6 नाम एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि 6 नए लोगों को गवर्नर बनाया जाएगा, उसमें से 4 नामों का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि एक बहुत दिलचस्प नाम यह है कि मध्य प्रदेश को लेकर नाम चल रहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जी होगी, हाल में मुख्यमंत्री थी, उन्हें हटाया गया वहां से, तो शायद उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन इस सूची में फिलहाल उनका नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि आनंदीबेन पटेल खुद इच्छुक नहीं है। बाकी इन 4 नामों की अगर बात कर लें तो जैसा कि नजमा हेपतुल्ला के बारे में, जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 75 साल की उम्र पार सीमा पार करने के बाद हटाया गया, तभी ये संदेश उनको दे दिया गया था कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा ये जताई थी कि वो दिल्ली के आसपास, दिल्ली से नजदीकी किसी राज्य में उन्हें राज्यपाल बनाया जाए, लेकिन उन्हें मणिपुर की कमान दी गई है। इसके अलावा नागपुर से एक सांसद थे हितवादी, इसके अलावा एक मीडिया हाउस है, उनके मालिक को भी गवर्नर बनाया गया है। जगदीश मुखी जो कि दिल्ली के एक बड़े नेता हैं, उनको LG बनाया गया है। तो ये जो नाम है, इन नामों के चयन में कम से कम 3 नाम ऐसे हैं जिनमें संघ की पृष्ठभूमि का खासतौर पर ख्याल रखा गया है और उसके लिहाज से इन्हें ये कमान सौंपी गई है राज्यपाल के तौर पर। जो 2 बाकी अगले नाम आने हैं उन्हें देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि किसके हाथ में आगे कमान जाती है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।